एमिंग फॉर नाइन नाइन परसेंटाइल एंड फोर स्टार्टिंग ऑफ प्रेशन राइट ना हो पहला आंसर इज ये नहीं हो सकता ठीक है किससे बात करोगे चार महीने के अंदर कैट क्रैक नहीं हो सकता तुम भी यहां बैठे हो मैं भी यहां बैठा जस्ट फॉलो दिस प्लान दिस इज मोर ऑफ टेस्टिंग एबिलिटी राइट पहली गलती क्यों लोग नाइन्टी नाइन परसेंटाइल नहीं ले पाते नाइन्टी नाइन परसेंटाइल का मतलब है तीन लाख लोग कैट दे रहे हैं बॉल पाक तो तीन लाख में से तीन हजार लोगों का ये वाला परसेंटाइल आने वाला है 99 में करके होगा नहीं होगा वो सब बात की बात है पर पहले तीन हज़ार रुपये तीन हज़ार में तीन हज़ार रुपये बोल रहा हूँ पहले पहले फर्स्ट थ्री थाउजेंड के अंदर अपने को रैंक लेके आना है विदाउट डिस्कसिंग आपका प्रोफाइल क्या है पहली बार मुझे प्लेज करो जरा चैट के अंदर भाई ऑल द कैटकिंग फैमिली यूट्यूब फैमिली पर अलाउड है आप आज के बाद कोई भी मेरे से ये नहीं पूछेगा सर मैं एस सी मुझे क्या परसेंटाइल चाहिए मैं एस टी मुझे क्या परसेंटाइल चाहिए मैं जनरल हूँ मेरा कुछ नहीं होने वाला मेरे टेंथ ट्वेल्थ के नंबर इतने थे भाड़ में जाए वो सब अभी उस चीज का मौका ही नहीं है यू साइंड फॉर कैट प्रिपरेशन यूल बी फिलिंग अप द फॉर्म्स राइट नाउ नाउ लेट द ब्लडी आई एम रिजेक्ट यू इफ यू आर सपोज टू बी रिजेक्टेड अंडरस्टूड प्लेज 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 प्लेच प्लेच इन अ वी आर नॉट गोन रिजेक्ट आर सेल्फ हमने साइन अप किया है अब वो भगवान है हमारे कन्वीनर कैट के जो पेपर्स हैं वो ही अपने को रिजेक्ट करेगा हम तो पढ़ाई करेंगे प्रो अपने अपने नंबर कुछ भी है क्यों मैं सबको एक एग्जाम्पल देता हूँ अगर आपके यहाँ पे चोट लगी हुई है यार हाँ अगर आपके यहाँ पे चोट लगी हुई है सो यहाँ पे चोट लगी हुई है और तुम जंग पे जाने वाले हो हाँ जंग पे जाने वाले हो तुम्हारी चोट लगी हुई है तो यार घोड़े पे सवार हो के कैट के दिन अपनी चोट थोड़ी देखते रहोगे यार जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो लड़ाई के लिए चोट थोड़ी देखते हो मेरी चोट लगी है मेरी चोट तेरी पढ़ाई नहीं होगी यू नॉट बी एबल टू विन द बैटल चोट लगी है, है चोट मेरी, मैं इसको कर लेता रिजेक्टिंग योर सेल्फ पहले जितना कैट के टॉपर मॉक दे रहे हो उतने मॉक तो दो हर बच्चा कैट का टॉपर नाइनटी नाइन परसेंट के ऊपर मिनिमम के थर्टी मॉक्स देता है आप हफ्ते में एक या दो मॉक देने शुरू करो सिलेबस खत्म हो ना हो सिलेबस खत्म का वेट ही नहीं करना है क्यों उसका कोई सिर पैर नहीं है सिलेबस खत्म होने का वेट क्यों भाई सोलह क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्पिटिशन के हैं आर सी आपको करवा दूंगा एक बार क्लास के अंदर कैसे पढ़ना है क्या करना है उसके बाद तो अपने को जाकर प्रैक्टिस करनी है ट्वेंटी क्वेश्चन डीआईएलआर एक बार आपको समझ आ गया बारग्राफ क्या है पाई चार्ट क्या है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स क्या है एक एक दो दो सेट भी आपने कर लिए तो भाई पेपर के अंदर जाओ देखो जो बन रहा है वो करके निकलो तो थर्टी सिक्स क्वेश्चन इनके एड आर द फॉर दिच यू नीड नॉट वरी फॉर द सिलेबस टू बी कंप्लीटेड आर तो बिल्कुल नहीं चल डी में फिर भी एक हफ्ते की मेहनत चाहिए तो विद इन वन कैट प्रिपरेशन इफ यू यूरस्टूड वी आई एल आर इफ यू अंडरस्टूड वॉट इज कैट यू शुड बी एबल टू स्टार्ट सॉलिंग मार्क्स रह गया क्वॉंट जितना पढ़ाए उतना उगल के आइए अगर आपने परसेंटेजेस पढ़ा है एवरेजेस पढ़ा है रेशियोज पढ़ा है उगल के आइए वहां पे अगर आपने एल्जब्रा पढ़ा है उगल के आए जितना पढ़ लिया इस हफ्ते के अंदर उतने क्वेश्चन स्कैंजर की तरह जाइए और बाहर निकल के आइए नंबर वन मॉक देने बहुत जरूरी यू ऑल पार्ट ऑफ कैटकिंग फैमिली बहुत सारे यूट्यूब फैमिली भी कैटकिंग के मॉक्स दे रहे मैं देख रहा था हाइएस्ट नंबर ऑफ मॉक्स आर गिवन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर एंड नवंबर और ये ग्राफ बढ़ता जाता है यू गाइज विल गिव रियल कैट मॉक्स एंड कम वॉट में उन रियल कैट को पकड़ के आराम से थोड़ा थोड़ी मचाएंगे वो थोड़ा थोड़ी कैसे मचाएंगे वंस यू गाइज आर नोइंग पेपर मेरे को कैसे क्रैक करना है आपका पूरा सिलेबस अगले सिक्सटी डेज के अंदर हम कोशिश करेंगे खत्म करने का लेवल नंबर वन बट वेट करना ही है मेरे को आज बता दिया मैंने अगले सिक्सटी डेज के अंदर आपका कैटकिंग के अंदर बहुत से लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं अगस्त में बैच शुरू हो रहा है साठ दिन के अंदर सारा सिलेबस नेक्स्ट वन फोकस ऑन एनालाइजिंग द मॉक अब तीस मॉक दे दिए तो बैठ के तीस मॉक करने एनालिसिस लंबा चौड़ा एनालिसिस नहीं है एक सुंदर सा हाफ पेज बनाने का हाफ पेज हाफ पेज में ये सब चीजें लिख लेना पहली बात बिफोर जंपिंग इन टू द नेक्स्ट मॉक जिस टेक की लास्ट मॉक के अंदर क्या क्या, -क्या गड़बड़े करी थी अगर तुम्हारा पहला मॉक है इसके पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ पर लिख लेना कि तुमने क्या क्या, -क्या गड़बड़े करी दूसरे मॉक के अंदर यार पहले मॉक के अंदर गलत आरसी चूज कर लिया अरे पहले मॉक के अंदर गलत डी आई एल आर का सुट चूज कर लिया इफ यू यूज रेमिंग फॉर क्रैकिंग कैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑल अबाउट सिलेक्शन इन द टू टॉपिक्स फॉर श्योर विच इज डी आई एल आर रीडिंग तो बेड़ा गर्क हो जाएगा इसको अपने को हैबिट बनाना है कि आई शुड बी एबल टू फाइंड दर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वो आर्ट में आपको बताऊंगा आरसी इजी कैसे ढूंढना है वन मिनट आर्ट इज उसका जो भी टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है जिसके क्वेश्चन डुएबल लग रहे हैं उसकी रैंकिंग कर लेना रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री इसको पहले करेगा इसको बाद में करेगा इसको बाद इसके बाद में सिमिलरली डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग जिसके क्वेश्चन थोड़े डुएबल लगे जो बार ग्राफ पाई चार्ट पजल गेम गेमल करा हुआ दिखे कि ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आधा तो किया हुआ है उसको अपनी रैंकिंग करना है वन टू थ्री आगे वंस शू डन विद द मॉक इन दिस ब्यूटिफुल पेपर राइट डाउन योर ब्लडी सिली मिस्टेक्स हाफ पेज ओनली मैंने यहां यहां पे जाके टू का क्यूब कर दिया सिक्सटीन टू का क्यूब कितना टू का क्यूब कितना होता है भाई टू इंटू टू इंटू टू एट है ना भाई ये बेसिक बातें अगर अभी हो रही है बाद में भी होगी नेक्स्ट वन यार मैंने चार इजी क्वेश्चन छोड़ दिए क्यों छोड़ दिए तुमने इजी क्वेश्चन क्यों नहीं तुम ढूंढ पाए नेक्स्ट वन कौन से कौन से डिस्ट्रैक्टर थे या टफ सवाल थे यार ये मैंने ईगो पर ले लिया ज्योमेट्री मेरा फेवरेट है तो मैं करके जाऊँगा इंजीनियर्स का फेवरेट होता है मॉडर्न मैथ्स हो मॉडर्न मैच सवाल मैं तो करके जाना है ओ भाई तूने वहां पे दस मिनट लगा के अगर चार नंबर भी कबाड़े हैं यू आर अ फूल बिकॉज समबडी एल्स इज यूजिंग दिस टू सॉल्व थ्री मोर क्वेश्चन अराउंड दो से लेके तीन मिनट के अंदर हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता है नाइनटी नाइन एंड यू आर एमिंग टू गेट नाइनटी नाइन यू के नॉट डू दिस मिस्टेक ट्रस्ट मी एंड ऑल्सो मार्केट बाय द टाइम यार मैंने ना इस मॉक के अंदर बीस मिनट व्यर्थ किए हैं और मैंने मिनिमम पांच क्वेश्चन छोड़े हैं जो मुझे पक्का करने चाहिए था उन क्वेश्चंस को मैं अगली बार पक्का अटेम्प्ट करके जाऊंगा नेक्स्ट वन ऑन कैट कैटकिंग फैमिलीज डैशबोर्डर स्प्रिट्स एनीबडी स्प्रिंट्स दिट और नो एनी सॉ द स्प्रिंट्स येस और नो किसी ने स्प्रिंट देखना शुरू किया बहुत ही प्यारी चीज है यार हाँ मैं थर्टी सेकेंड में समझाता हूँ आपको जो लोग अभी एक्सेस ले रहे हो नए नए आए हो भाई स्प्रिंट देख लो वेन यू गैस गो टू द मॉक टेकिंग स्ट्रेटी सेशन ऊपर जाएंगे जब आप लर्न डॉट कैटकिंग के अंदर ज कैन फाइंड दिस ब्यूटिफुल थिंग्स कॉल्ड एज स्प्रिंट्स स्प्रिंट क्या है हर बंदे की स्पीड इंक्रीज हो सकती है बट स्प्रिंट आपको इंजॉय करना है अभी बैठ के वेन यू गैस गो इन हेयर गोड द डैशबोर्ड डैशबोर्ड के अंदर फटाफट फड़ जाया मॉक्स के अंदर मॉक्स के अंदर जाते ही यू विल बी एबल टू फाइंड दिस ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड एज स्प्रिंट्स स्प्रिंट्स मतलब आपको समय तो उतना ही मिलेगा पर उसके अंदर जाके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी ठीक है स्प्रिंट्स VARC sprint number five is live. You guys can go this sprint. Sprint testing क्या होती है? Sprint testing आपको सवाल मिलेंगे, time 40 minute मिलेगा और number of questions increase होते जाएंगे. पहले सिर्फ चार question या दस question मिलेंगे, दस question आपको four minute पर प्रति four uh, minute पर question लगाना है. फिर धीरे-धीरे number of questions अपन ऐसे increase करते जाएंगे. Last में आपके पास 40 minute आएंगे और 20 सवाल आएंगे. CAT के अंदर भी 20 या 22 सवाल आते sprint.

क्या मैं एक आर और करेक्ट कर सकता हूं क्यों एक आर पूरा का पूरा निपटाया आपके चार क्वेश्चन और मिल गए एक डी निपटाया आपके चार क्वेश्चन और मिल गए एंड बेस्ट थिंग इज तीन या चार क्वेश्चन और सॉल्व कर दिया दीज आर इलेवन क्वेश्चन राइट अगर तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो भाई थर्टी मॉक देने हैं ट्वेंटी मॉक देने हैं तो भाई हर मॉक के अंदर चल पहले मॉक में सिर्फ एक आर ढूंढना और यार एक आर और कर सकता था एक डी का सेट और कर सकता था ठीक हाँ ठीक ग्यारह क्वेश्चन मोर राइट विल जंप योर परसेंटाइल फ्रॉम एट्टी टू नाइनटी नाइन परसेंटाइल और भाई वे एट्टी परसेंटाइल तो है ही ग्यारह क्वेश्चन बारह क्वेश्चन राइट पे ठीक है तो जिनके पहले ग्यारह सौ क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई क्या तू एक आरसी कर सकता है क्या तू एक डीआई कर सकता है क्या तू तीन या चार क्वांट क्वेश्चन कर सकता है तो एट्टी पे आएगा उसके बाद ये वाली जंप है इस मॉक के अंदर ये लो अगले मॉक के अंदर ये लो फिर प्रैक्टिस करो अगले मॉक के अंदर तीनों हमारी अचीव होनी चाहिए कोई फाइव सेकंड से कॉल कोर्ट येस ए नो येस और नो लास्ट थिंग फॉर द रे देख भाई लास्ट फ्यू मंथ स्टडी लाइफ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ राइट नाउ ये तेरे का सभी समय नहीं है कि मैं स्टडी लाइफ बैल पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारे आज बड़ी पढ़ाई हो रही आई थिंक आई डिजर्व अ ब्रेक घंटा यू डिजर्व ब्रेक एवरी टाइम यू गो फॉर अ ब्रेक फॉर थ्री आवर्स और यू गो आउट फॉर अ मूवी समबड़ी इज स्टडिंग एट होम एंड इज गॉट जस्ट गेट वन मोर क्वेश्चन राइट इन दैट थ्री आवर्स वन मोर क्वेश्चन राइट एंड दैट वन मोर क्वेश्चन कैन ड्रॉप योर लाइफ फ्राम अहमदाबाद टू अमृतसर या फ्रॉम अ नाइनटी एट परसेंट टाइप फॉर अ नॉन इंजीनियर टू अटी थ्री परसेंट टाइप और एक कोंट में हो गया एक बर्बल में हो गया एक डी आर में हो गया जो 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 उस दिन तीन घंटे पढ़ाए तो अभी तो भाई कॉम्पिटिशन है या yeah. मैंने एक कोर्ट पढ़ी थी सो फिफ्टी परसेंट ऑफ पीपल अचीव दिस इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस शो अप तो मंडे को क्लास मेरी अटेंड करनी ही करनी है बोर हो गए हो रात को पढ़ाई कर कर के थक गए यूट्यूब लाइव अटेंड करना ही करना है नंबर वन रेस्ट फोर्टी परसेंट जनता बिकॉज दटीट्यूड ये जो तुम्हें बता दिया भाई मैं तो करेगा भाई एक आर से और ढूंढना सर ने बोला मुझे नहीं पता एंड द लास्ट टेन परसेंट इज डॉग फाइट इज कॉम्पिटिशन कौन आगे बढ़ेगा कौन ज़्यादा पढ़ सकता है लास्टली इन द इंटायर जर्नी इफ यू फीलिंग बर्न आउट कोई गाल नहीं टेक अ ब्रेक गो टू नानीज प्लेस दादीज प्लेस मीट योर गर्लफ्रेंड चिल आउट फॉर वन टू आवर्स कम बैक बट वेट फॉर द बर्न आउट टू हैपन या वेट फॉर द बर्न आउट टू हैपन वो जो लोग जिम जाते हैं वो ऐसे करके क्या करते हैं लोग वो ऐसे करके कुछ करते हैं ना वो नीचे लेट के क्या बोलते हैं उसको जिसको हम फेलियर तक करते हैं क्या बोलते हैं उसको प्लैंक है ना हा, प्लैंक हाँ प्लैंक बिल्कुल प्लैंक वाला जिम वालों को पता है अगर बोलूँगा ना यार थर्टी मिनट्स प्लैंक थर्टी सेकेंड प्लैंक करना है सब लोग कर लोगे तुम लोग फोटी फाइव करना है सब लोग कर लोगे वन मिनट करना है वो भी काफ़ी लोग कर लेंगे अगर बोलूंगा डू प्लैंक टिल योर फेलियर टू योर अमेज यू विल बी एबल टू स्ट्रेच योर और तुम डेढ़ मिनट दो मिनट तीन मिनट तक जा सकते हो So now, पढ़ाई हैज टू बी डन ट फेलियर जब हम पढ़ाई करते थे हम लोग पेन लेते थे और बोलते थे आज पेन खत्म करना है आ रही है तब तक उठना नहीं जब तक पेन ना खत्म हो जाए जब जेई का प्रयोग करते थे सो टर्न दर्ल्ड अप सेड डाउन एंड वर्क रियली हार्ड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज आई एम गड बी देअर विद यू आग लगाएंगे आई गोड वर्क हार्ड ये बॉयदिन ये विद्स बिगेन लेट्स गिव मी टेन सेकेंड्स और बॉयज एंड गर्ल्स होप यू यू गाइस दिस वीडियो इफ द लाइक बटन और कैट किंग फैमिली अभी ज्वाइन करना चाहते हो भाई हमारे लास्ट फ्यू बैचेस चल रहे हैं अगस्त बैच एक बार टीम से बात कर सकते हैं और शुरू करेगा भाई और आई वांट सीरियस स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर रियली हार्ड प्राइसेस हैव बीन ड्रॉप एक टर्बो कोर्स और एक इंटेंसिव कोर्स है टर्बो के अंदर हम सिर्फ कैट की तैयारी कराएंगे एंड इंटेंसिव के अंदर हम सारे स्नैप एंड मैट एक्सेट्रा की सारी की सारी तैयारी करेंगे इफ यू गाइस वांट टू गेट मोटिवेशन लाइक दिस मच नीड मोटिवेशन थैंक्स अ आन बॉयज एंड गर्ल्स पढ़ाई करिएगा आई प्लेस टू गेट 99% वर्क रियली हार्ड ऑलराइट गॉड ब्लेस यू शू स्ट्रीम को लाइक पक्का करेगा थैंक यू